तलाल चौधरी ने मासूमियत की इंतहा कर दी। साकिब नसार पर इल्जाम लगाकर इल्जाम ना लगाने का कह दिया। हाल ही में एक निजी टीवी इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने तहलका खेस इंकशाफ किया। तलाल चौधरी ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुझे बिलवास्ता कहा कि मैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दूं। उन्होंने कहा कि साकिब निसार पर इल्जाम नहीं लगा रहा, हकायक बयान कर रहा हूँ। अदलिया को अगर नजरसानी करनी है तो तमाम सजाओं की करना होगी जो साकिब निसार ने दी। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान की पहले ही एक तौहीन अदालत केस में वार्निंग हो चुकी है, सौतेले और लाडले वाला सलूक खत्म होना चाहिए। तौहीन अदालत में उसको वार्निंग हो चुकी है, सौतेले और लाडले वाला ये सलूक है, दोहरा मियार खत्म होना चाहिए। जबकि उन्हें और दानियाल अजीज को वार्निंग नहीं दी गयी और फर्दे जुर्म आयद की गयी। मुझे और दानियाल अजीज को एक जवाब के बाद दूसरी दफा हमें चांस नहीं मिल सका, तो शायद हम भी अपना मौकफ जो अगर अदालत एक दफा सेटिस्फाई ना होती तो दूसरी दफा ये कहते। उन्होंने कहा कि सफाइयां देते रहे मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई।